मैं उत्तल अवैस और आप देख रहे हैं फातिमा फूड क्लब। आज मैं आपके साथ शवारमा सास की रेसिपी शेयर करूंगा। इंशाल्लाह रेस्टोरेंट स्टाइल में रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे, तो आप याद करेंगे भाई ने कोई चीज़ बनाना सिखाई है। तो इंशाल्लाह आप जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच जाए। तो चले चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो आज हम थाइना सॉस शवारमा सॉस बनाने जा रहे हैं। तो ब्लेंडर ले लिया मैंने इस, ठीक है, जूसर मशीन का जाके। तो इसमें ओरिगैनो डालेंगे हम तकरीबन एक स्पून हम इसमें ओरिगैनो ऐड कर दिए, हाफ स्पून ब्लैक पेपर, हाफ स्पून सॉल्ट और दो स्पून तकरीबन सिरका है। और सिरका की जगह पे अगर आप लेमन यूज़ करना चाहें तो लेमन भी यूज़ कर सकते हैं, लाजम नहीं है कि आप सिरका यूज़ करें, ठीक है। तो ये हमारे पास गार्लिक है, तीन से चार तुरे हम ले सकते हैं। तो ये सब्ज मिर्च है, स्पाइस के लिए मैं यूज़ करूँ, अगर आप यूज़ करना चाहें तो मोस्ट वेलकम, नहीं तो आप बेशक ना करें, मसला नहीं है। तो हमने मायोनीज, मैंने आपको मायो की पहले से रेसिपी दी हुई है और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा। तो तकरीबन एक कप मायोनीज हम इसमें ऐड करेंगे। ये सफ़ेद तेल है, मैंने फ्राई किए हुए पहले से, इसमें ऐड कर देंगे तकरीबन दो स्पून है तेल। आप सफ़ेद तेल आप पहले बेशक फ्राई करेंगे बाद पहले इसे आप क्रश कर सकते हैं करना चाहें, लेकिन मैं इसी में मिक्स कर रहा हूँ, ठीक है। तो तकरीबन एक स्पून ऑयल की हम इसमें ऐड करेंगे। तो मैंने ऑयल ऐड कर दिया भाई, मुश्किल कोई चीज़ नहीं होती, आप कोशिश करें इंशाल्लाह। मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल की तमाम रेसिपी दूंगा, ये अरेबिक रेसिपी है, हुमस और शवरमा में भी सास होती है, तकरीबन अरेबिक खानों में सास बहुत ज़्यादा ये यूज़ की जाती है। तो तकरीबन दो से तीन मिनट के लिए हम इसे ब्लेंड करेंगे। तो इंशाल्लाह आप घर में भी बसानी इसे तैयार कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। बहुत अच्छा टेस्ट है इसका, बहुत अलग किस्म का टेस्ट आता है, तो आप ज़रूर ट्राई करें। तो ये हमारी तकरीबन सास रेडी हो चुकी है, तकरीबन दो से अढ़ाई मिनट मैंने मशीन चलाई है। तो ये हमारी सास रेडी हो चुकी है, ये चेक करें जी। ये वाइट सॉस नहीं है, क्या आप कहेंगे ये वाइट सॉस है, एक शवरमा वाइट सॉस होती है, ये वाइट सॉस नहीं है, ठीक। तो ये आप घर पे अपने जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स पर जरूर बताइएगा, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। इसका टेस्ट बहुत ही अलग है, आप कहेंगे भाई ने कोई चीज़ बनाई है। शुक्रिया, ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।